हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 जो कि इंट्रोडक्शन है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है फोर्स। अब फोर्स कैसे समझेंगे, जैसे कि ये मार्कर पेन को अगर मैं ऐसे पुश करूं या फिर ऐसे पुल करूं। कैसे मैं पुश और पुल कर रहा हूं, एक्सटर्नल एफर्ट लगा के। एक्सटर्नल एफर्ट यानी बाहर से मैं एफर्ट लगा के इसे पुश और पुल कर रहा हूं। तो ये जो एक्सटर्नल एफर्ट है जो मैं बाहर से लगा रहा हूं पुश और पुल करने के लिए, उसे हम फोर्स बोल देंगे। तो यहां पर लिखा है एनी टाइप ऑफ पुश और पुल इन फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल एफर्ट इज कॉल्ड फोर्स। अब ये थोड़ी डिफिकल्ट डेफिनेशन अगर आपको लगती है तो आसान डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो। उसके लिए हमें फोर्स लॉ पता होना चाहिए। फोर्स लॉ का इक्वेशन क्या है, F इज इक्वल्स टू एम ए, ये हमने पढ़ा है। तो ये जो फोर्स है वो क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया दो क्वांटिटी का। कौन सी दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट हो गया, मास और एक्सेलरेशन का। तो दूसरी आसान डेफिनेशन कौन सी है कि फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। अब फोर्स के एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, मास किस में आएगा केजी में, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये पूरी टर्म जो है उसे हम न्यूटन बोलते हैं। तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या हो गया, न्यूटन हो गया। सेकेंड डेफिनेशन है प्रेशर। अब प्रेशर को समझने के लिए यहां पे हमने एक यूनिट एरिया कंसिडर किया है। यूनिट एरिया यानी 1 मीटर स्क्वायर का एरिया या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 mm स्क्वायर का एरिया हमने कंसिडर किया है। अगर ये एरिया पे हम फोर्स लगाते हैं, कौन सा फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं, यानी कि ये हमारा यूनिट एरिया है और परपेंडिकुलर हम एक फोर्स लगा रहे हैं, तो हम बोल देंगे फोर्स पर यूनिट एरिया को हम प्रेशर बोलेंगे। तो यहां पर लिखा है फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर बोलेंगे, लेकिन कौन सा फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स। सो परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। सो पी इज इक्वल टू एफ बाई ए, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। अब इसके एसआई यूनिट की अगर बात करें तो फोर्स किस में आएगा, न्यूटन में, अभी देख चुके। एरिया किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो हो जाएगा एसआई यूनिट किसका, प्रेशर का। अगर दूसरे यूनिट्स की बात करें हम प्रेशर के, तो वो होते हैं पास्कल, बार, एटमोस्फियरिक प्रेशर, एमएम ऑफ मर्क्यूरी, एचजी, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है वर्क। अब वर्क को समझने के लिए हम एक बॉडी लेंगे या एक ऑब्जेक्ट लेंगे जिसका मास एम होगा। इसके ऊपर अगर हम फोर्स लगाए, एक्सटर्नल एफर्ट लगाए, तो क्या होगा, ये जो बॉडी है वो फोर्स की डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा कुछ डिस्टेंस डी, और यहां पे कहां पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इफ वी विल अप्लाई द फोर्स एंड इफ बॉडी विल ट्रैवल इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, देन वी कैन से वर्क इज डन। ऐसे आप लिख सकते हो। अगर आसान डेफिनेशन लिखनी है तो हमें वर्क का ये जो इक्वेशन है याद रखना पड़ेगा, वर्क इक्वल्स टू व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी वर्क क्या हो गया, वर्क प्रोडक्ट हो गया दो क्वांटिटी का। कौन सी दो क्वांटिटी का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो यहां पे लिखा है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वर्क। अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें फॉर वर्क की, तो वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किस में आएगा, न्यूटन में, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस किस में आएगा, मीटर में। सो न्यूटन इनटू मीटर बोल देंगे, न्यूटन इनटू मीटर, ये पूरी क्वांटिटी को हम क्या बोल देंगे, जूल। तो जूल क्या हो गया, एसआई यूनिट हो गया किसका, वर्क का। अब ये वर्क के 3 केसेस है वो भी आपको लिखने पड़ेंगे, कौन से। तो पहला केस लिखा है अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, तब हम बोल देंगे कि पॉजिटिव वर्क है। जैसे कि एक ट्रक है, ट्रक को हम धक्का मार रहे हैं यानी फोर्स दे रहे हैं, अगर ट्रक भी फोर्स की डायरेक्शन में गई तो हम बोल देंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में वर्क कैसा है, पॉजिटिव है। अच्छा, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तब वर्क कैसा होगा, नेगेटिव होगा। जैसे कि वापस से एक ट्रक है, ट्रक चालू है, ट्रक ऐसे आ रही है, हम उसे ऐसे धक्का दे रहे हैं, लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, ये डायरेक्शन में। फोर्स कौन सी डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं, ये डायरेक्शन में, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे है, ऑपोजिट है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 है, तब हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव वर्क है, ठीक है। अच्छा, लास्ट केस है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में अगर एंगल 90 बनता हो, तब
वर्क कितना होगा, जीरो वर्क होगा, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जैसे कि कूली है, कूली सिर पे सामान उठा के आगे की ओर जा रहा है, ऐसे आगे की ओर जा रहा है, ठीक है, तो सामान का डिस्प्लेसमेंट तो ये डायरेक्शन में हो रहा है, सामान का डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन वो सामान पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों परपेंडिकुलर है, तो लो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क कर रहा है सामान पे, हम बोल देंगे जीरो वर्क। क्यों, डिस्प्लेसमेंट ऐसे, ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे, 90 एंगल, तो जीरो वर्क हो गया। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एनर्जी। एनर्जी यानी क्या, सिंपल डेफिनेशन है, कैपेसिटी टू डू वर्क। यानी क्या कि अगर हम खाना खाएंगे तभी हमारे में एनर्जी आएगी, तभी हम वर्क कर सकेंगे, यानी एनर्जी यानी क्या, कैपेसिटी टू डू वर्क। अब इसका यूनिट क्या होगा, एनर्जी का कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की जो क्षमता है उसे हम एनर्जी बोलेंगे, तो वर्क का जो यूनिट होगा वही एनर्जी का यूनिट होगा। वर्क का क्या यूनिट देखा था हमने, जूल, तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, एनर्जी का जूल या फिर किलो जूल, ठीक है। नेक्स्ट है हीट। अब हीट को कैसे समझे हम, जैसे कि हमारे पास एक ग्लास है, ग्लास के अंदर सपोज करते हैं 80 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी भरा हुआ है, और ये ग्लास सराउंडिंग में रखा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर है सपोज 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या होगा, ये ग्लास का टेम्परेचर कम होगा, क्यों, क्योंकि ग्लास से लेके सराउंडिंग में कुछ एनर्जी फ्लो होने वाली है, यानी यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस के कारण कुछ एनर्जी फ्लो होगी, और वो एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, हीट क्यूब बोल देंगे। यानी हीट यानी क्या कि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो भी एनर्जी फ्लो होती है उसे हम हीट बोल देंगे। तो वही यहाँ पे लिखा है मैंने, ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस व्हाट एवर एनर्जी इज फ्लोइंग इज कॉल्ड हीट। यानी टेम्परेचर डिफरेंस होना जरूरी है, अगर इसका भी टेम्परेचर 27, इसका भी 27, तो टेम्परेचर डिफरेंस है नहीं, एनर्जी फ्लो होगी नहीं, तो हीट है नहीं, तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो भी हीट एनर्जी फ्लो होती है उसे हम हीट बोल देंगे। और उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, एनर्जी के बराबर होगा, एनर्जी फ्लो हो रही है उसे हीट बोलते हैं। एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल है, तो इसका भी यूनिट जूल होगा, ठीक है, किलो जूल भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी क्या है, वो हीट भी नहीं है, वो वर्क भी नहीं है, लेकिन वो एक तरीके की स्टोर्ड एनर्जी है, ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पे, इंटरनल एनर्जी मीन्स व्हाट, इट इज नाइदर हीट नॉर वर्क, बट इट इज वन टाइप ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। वो स्टोर्ड एनर्जी, हीट भी नहीं, वर्क भी नहीं, और उसका जो इक्वेशन है वो हमें याद रखना पड़ेगा। इंटरनल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका इक्वेशन है एम सी वी टी टू माइनस टी वन। सी वी क्या है वो बाद में देख लेंगे, ठीक है, एम मास है, टी टू माइनस टी वन टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है। इसके ऐसा यूनिट की बात करें तो ये भी एक तरीके की एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट अभी हमने देखा जूल, तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, जूल, ठीक है। नेक्स्ट है पावर। पावर यानी क्या, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी क्या, कौन सी रेट से हम काम कर रहे हैं। अगर हमारे काम करने का रेट कम है, हम धीरे काम कर रहे हैं, तो हमारा पावर कम है। अगर हमारे काम करने का रेट ज्यादा है तो हम बोलेंगे हमारे में ज्यादा पावर है। जैसे कि पावर इज इक्वल टू व्हाट, रेट यानी डिवाइडेड बाय टाइम। पावर मीन्स रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क बाय टाइम। इसके यूनिट की बात करें तो वर्क का यूनिट हमने अभी देखा था जूल है, और टाइम का यूनिट सेकंड है, तो जूल पर सेकंड, ये पूरी क्वांटिटी को हम बोल देंगे वॉट। तो पावर का यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, वॉट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी क्या, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। यानी कोई भी बॉडी है वो कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है वो जानना है, तो हम टेम्परेचर की हेल्प से उसे जान सकते हैं कितनी इतनी ठंडी है या इतनी गर्म है। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। और इसके अगर यूनिट की बात करें तो डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन है, फारेनहाइट है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट। अब स्पेसिफिक हीट यानी क्या कि अगर हमें एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है कोई भी यूनिट मास का, एक डिग्री टेम्परेचर कोई भी यूनिट मास का अगर हमें बढ़ाना है, तो जो भी हम हीट देंगे उसे हम बोल देंगे स्पेसिफिक हीट, जिसे सेंसिबल हीट भी बोलते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास पानी है, ठीक है, ये पानी का टेम्परेचर सपोज 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, हमने कुछ हीट दी ये पानी को, 27 डिग्री के पानी को, क्यू मीन्स हीट, और उसका टेम्परेचर हमने बढ़ा के कर दिया सपोज करते हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये जो हमने हीट दी उससे क्या होगा, 27 से कितना होगा, 28 होगा, 28 से कितना होगा, 29 होगा, फिर 30 होगा। यानी ये जो हीट हम दे रहे हैं वो क्या कर रही है, वो 27 से 28 एक डिग्री टेम्परेचर, 28 से 29 एक डिग्री टेम्परेचर, 29 से 30 वापस एक डिग्री टेम्परेचर। तो ये हीट एक एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रही है यूनिट मास का, यानी कि पानी का, 1 केजी पानी का, या 1 लीटर पानी का। तो ये क्या हो गया,
एक डिग्री बढ़ाने में जो भी हीट लगी उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम बोल देंगे स्पेसिफिक हीट। तो यहां लिखा है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास, जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सी के दो टाइप आते हैं, सीपी और सीवी। सीपी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, यानी क्या यही डेफिनेशन लिख लेना और बाद में लिख लेना साथ में एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, यानी अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास व्हेन प्रेशर इज कॉन्स्टेंट। और इसके लिए क्या लिखेंगे, यही डेफिनेशन लिखेंगे व्हेन वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट। जल्द से स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट यानी क्या, हमने देखा था स्पेसिफिक हीट के बारे में। स्पेसिफिक हीट यानी क्या कि 1 डिग्री टेम्परेचर अगर हमें बढ़ाना है यूनिट मास का, तो जो भी हीट देते हैं उसे हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। तो लेटेंट हीट यानी क्या कि वो भी एक हीट ही है, लेकिन अगर हमें फेज चेंज करना है कोई भी सब्सटेंस का, तब जो भी हम हीट देंगे उसे हम लेटेंट हीट बोलेंगे। अब फेज यानी क्या, फेज कितने तरीके के आते हैं, तो बेसिकली हमें पता है एक तो ये हो गया हमारा आइस क्यूब जो कि सॉलिड फेज है, ये हो गया हमारा वाटर जो कि लिक्विड फेज में है, और ये हो गया हमारा स्टीम के जो वेपर फेज में है। तो अगर ये आइस क्यूब को जो कि सॉलिड फेज में है उसको अगर हमने कुछ हीट दी और आइस का फेज चेंज हो गया लिक्विड में आ गया, तो जो भी हमने हीट दी है उसे हम बोल देंगे लेटेंट हीट। उसी तरीके से हमारे पास लिक्विड फेज है यानी वाटर है, वाटर को हम कुछ हीट दे रहे हैं जिसके कारण ये जो वाटर है उसका लिक्विड फेज चेंज होके वेपर में चला गया यानी फेज चेंज हो गया। तो फेज चेंज के लिए जो भी हम हीट देंगे उसे हम क्या बोल देंगे, लेटेंट हीट बोल देंगे। तो यहां लिखा है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। अब अगर इसके यूनिट की बात करें तो हीट यानी क्या, एक तरीके की एनर्जी, तो एनर्जी का जो यूनिट वो लेटेंट हीट का यूनिट जो कि है जूल या फिर किलो जूल। नेक्स्ट है एंथैल्पी। एंथैल्पी को हम स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एंथैल्पी यानी क्या, जैसे कि हमारे पास कोई एक यूनिट मास है, ये कोई एक यूनिट मास है, यूनिट मास यानी इसका सपोज वेट है 1 kg, ठीक है, यूनिट मास है। ये यूनिट मास को अगर हम जलाते हैं हीट देके कुछ, अगर हम इसे जलाते हैं तो क्या होगा, इसका कंबशन शुरू हो जाएगा यानी ये जलना शुरू हो जाएगा, और कंप्लीट कंबशन के बाद यानी ये पूरा जब जल जाएगा, तब जब ये कुछ हीट रिजेक्ट करेगा और ये हीट को अगर हम मेजर करेंगे तो ये हीट को हम बोल देंगे एंथैल्पी। वापस एक बार, एक यूनिट मास है हमारे पास, यूनिट मास को हमने जलाया जिसके कारण कंप्लीट कंबशन हुआ, पूरा जल गया जिसके कारण इसने कुछ हीट रिलीज करी, तो ये हीट सपोज करते हैं 20 किलो जूल हीट रिलीज करी इसने, तो 20 किलो जूल जो है वो क्या हो जाएगा, वो एंथैल्पी हो जाएगा। ठीक है, एंथैल्पी यानी क्या देख लेते हैं। अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट कितनी है 20 किलो जूल, अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिजेक्टेड, ठीक है, विच इज रिजेक्टेड बाय द कंप्लीट कंबशन, ये उसका कंप्लीट कंबशन हो गया किसका, ऑफ अ यूनिट मास, यूनिट मास मीन्स पर केजी। तो एंथैल्पी की अगर यूनिट की बात करें तो वो हो जाएगा किलो जूल पर केजी, यानी 1 kg का जो हमारा सब्सटेंस है उसका कंप्लीट कंबशन होने पर जितनी हीट रिजेक्ट करेगा उसे हम बोल देंगे एंथैल्पी एच, किलो जूल पर केजी इसका यूनिट हो गया। ठीक है, आखिरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एंट्रोपी। एंट्रोपी को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एंट्रोपी यानी क्या, मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस, यानी डिसऑर्डरनेस को अगर हमें मेजर करना है कितना डिसऑर्डरनेस है सिस्टम में, तो वो हमें एंट्रोपी बताएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो नेक्स्ट वीडियो में अब हम लेके आएंगे जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, जो भी एग्जाम में पूछते हैं। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।